फूड सेंसेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार ढाबा स्टाइल की कढ़ाई, मटन ढाबा स्टाइल कढ़ाई। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पतीला लिया है, पतीले के अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ, जो कि मैंने हाफ के जी लिया था, अच्छे तरीके से धो के रख लिया था। बीफ डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ जी, तो अब हम डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। अब यह बारी आती है पानी शामिल करने की। ये मैंने 1 लीटर पानी इसमें शामिल किया है। अब इसे हमने एक जोश दिलाना है। जोश दिलाने के बाद इसे कवर अप कर देंगे 90% तक कुक करने के लिए। फिर चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। मैंने एक पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में डाल दूंगी मैं 1/2 kg कीमा। ये मैंने हाथ का कुटा हुआ लिया है, आप चाहें तो मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक। हाँ जी, तो 2 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने कीमे को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब यहाँ बारी आती है शामिल करने की टमाटरों की, जो कि मैंने 3 से 4 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के। इसको फाइन चॉप कर लिए, इसको ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ जी, टमाटर अच्छी तरीके से भुन गए। हम यहाँ पर हम उबला हुआ गोश्त ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ जी, तो गोश्त को अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद अब यहाँ बारी आती है शामिल करने की दही, जो कि मैंने 1/2 कप लिया था, वाइट कर दिया। अब साथ में चले जाएंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने ली है कुटी हुई मिर्ची 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। इन सभी मसालों को डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ जी, तो मैंने अच्छी तरीके से मसाले डालने के बाद भुनाई कर ली है। 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं अच्छी तरीके से भुनाई करने में। अब भुनाई हो चुकी है, अब इसको मैं क्या करूँगी, 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दूँगी। हाँ जी, तो 15 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया, फाइन चॉप हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ शामिल कर देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चला जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही चली जाएंगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून, साथ ही चली जाएंगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हाँ जी, तो हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम बारीक कटी हुई अदरक। अदरक डालने के बाद हम साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद हमने इसे मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी कटी हुई भी हरी मिर्चें। उसके बाद मैं इसके 2 मिनट के लिए कवर करके डिश आउट कर दूंगी। सो मज़ेदार सी स्पेशल ढाबा स्टाइल कढ़ाई, मटन ढाबा स्टाइल कढ़ाई अब तैयार है। डिलीशियस बनती है, बहुत मज़ेदार होती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार इजी क्विक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।